नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा पाठ 5 का भाग 2 चल रहा है। इससे पहले भाग 1 में हमने ये स्काउट शिक्षा पढ़ी थी, अब ये भाग 2 है हमारा। इसमें अग्नि संबंधी जानकारी और दिशा ज्ञात करना, ये पाठ का नाम है हमारे भाग 2 का। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं आग जलाना। आग जलाना क्या होता है करके, किस प्रकार जलाई जाती है और किस प्रकार बुझाई जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्काउट को शिविर जीवन में हर मौसम आग जलाने की आवश्यकता पड़ती है। जब जब जो है उनके शिविर लगते हैं तो उनको आग जलाने की आवश्यकता पड़ती है। गर्मी और जाड़ों में आग जलाना सरल है, जबकि जो है वर्षा ऋतु में जो आग जलाना कठिन होता है। स्काउट को कम से कम साधन में आग जलाना आना चाहिए, इनकी कम साधन उसके पास अगर हों तो उसमें भी जो है आग जलाने की जो आग जलाने की जो एक्टिविटी है उसको आनी चाहिए। स्काउट को आग जलाने में सहयोगी मिट्टी का तेल, कागज़ या मोमबत्ती आदि के प्रयोग की अनुमति नहीं होती है। माचिस को सीलन से बचाने के लिए कागज़ में लपेट कर रखना चाहिए। आग जलाने के लिए स्काउट सबसे पहले लकड़ी और सूखी घास इकट्ठी करें। लकड़ी और सूखी घास इकट्ठी कर लेनी पड़ती है पहले स्काउट को। पेड़ से सूखी टहनियाँ व छाल आदि प्राप्त करें, ठीक है। सूखी घास न मिले तो लगभग 1 इंच मोटी लकड़ी को लेकर उसे इस प्रकार चाकू से छिलें कि उसकी फरचट्टें ऊपर से जुड़ी रहें। इन्हें जो है फ्रिजिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की लकड़ी बनानी पड़ती है चाकू से छिल करके। इस प्रकार की 5 फ्रिजिस्टिक तैयार करें। फिर साफ स्थान पर छोटी छोटी लकड़ी रखकर उन पर गुंबदनुमा फ्रिजिस्टिक खड़ी कर दें। अब जिधर से हवा आ रही हो उधर पीठ करके बैठ जाएं। माचिस की तीली जलाकर हाथ को मोड़कर हवा को रोकते हुए गुंबद के नीचे की घास में आग जलाएं। जब लकड़ियां जो आग पकड़ लें तो मोटी लकड़ी रखते जाएं। हवा को रोकने के लिए पत्थर के चूल्हे अथवा नाली खोदकर आग जलाई जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है ये आग जलाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसमें आग बुझाना। आग का काम समाप्त हो जाने पर आग को ठीक प्रकार से बुझा देना चाहिए। कोयलों को जमीन में गाड़ देना चाहिए तथा राख को रेत से दबा देना चाहिए, इससे आग लगने का भय न रहे। आग लगने से बचाव हेतु सावधानी है, जब आग लग जाती है तो उससे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। आग लगने से बचाव हेतु तो यहाँ पर देखते हैं उन पॉइंट वाइज उन बिंदुओं को। आग जलने के स्थान के पास लंबी सूखी घास या अन्य सूखा ईंधन बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तेज़ हवा चलने की स्थिति में जिधर से हवा आ रही है उस और कोई आड़ लगा दें जिससे हवा की चिंगारियाँ न उड़ें। टेंट घर गोदामों के पास कभी भी आग खुली न छोड़ें, ये कुछ सावधानियाँ हैं, नहीं तो क्या इससे आग भयंकर रूप ले लेती है। पेड़ के नीचे आग लाते समय सुनिश्चित करें कि पेड़ पर मधुमक्खी या बर का छत्ता तो नहीं है। अगला पॉइंट, सोने से पहले मोमबत्ती लालटेन या पेट्रोमोक्स को बुझा दें। गैस सिलेंडर की नाप को ठीक प्रकार से बंद करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी कारण से गैर रिसाव हो रहा हो तो कमरे के सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए। खुली आग मोमबत्ती आदि को जो है बुझा देना चाहिए और विशेषज्ञ को बुलाकर रिसाव बंद कर देना चाहिए। उससे पूर्व सिलेंडर को उठाकर बाहर खुले स्थान में रख देना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बचाव आग लगने से जो है बचाव हेतु कुछ सावधानियाँ हैं, इन्हें जो है सभी को जो है आवश्यक रूप से करना चाहिए। अब अगला पॉइंट, लगी हुई आग को बुझाया कह जाता करके उसके बारे में दिया गया है। यदि कहीं पर आग लग जाती है तो स्काउट को आग बुझाने का सही और आसान तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि जल्दी आग बुझ सके। आग लगने के स्थान से पानी के स्रोत तक स्काउट पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं, ठीक है, लाइन टू लाइन। पहला स्काउट दूसरे को तथा दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे स्काउट को बाल्टी देगा, ठीक है। और इसी क्रम में अंतिम स्काउट को पानी की बाल्टी पहुँचेगी, तो लास्ट में जहाँ पर आग बुझाने का काम चल रहा होगा वहाँ तक ये पहुँचेगी। और अंतिम स्काउट में आग में पानी वह जो अंतिम स्काउट होगा वह आग में जो है पानी डालेगा। खाली बाल्टी वापस करने का कार्य दूसरी पंक्ति करेगी, दूसरी पंक्ति उसके जस्ट बगल से लगी होगी जो खाली बाल्टियों को पास करती जाएगी। यदि संख्या कम है तो वही पंक्ति वापस करने का कार्य करेगी, ठीक है। तो इस तरह से लगी हुई आग को जल्दी बुझाने की प्रक्रिया होती है जो स्काउट द्वारा की जाती है। इसमें आग को बुझाने के लिए जो है नोट दिया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि 100 मीटर की दूरी के लिए लगभग 6 बाल्टी पर्याप्त होती है। मिट्टी के तेल, पेट्रोल या स्प्रिट आदि से लगी हुई आग मिट्टी या रेत डालकर जो है बुझाई जाती है, उसमें पानी डाला जाता है। यदि घास या सूखी फसल में आग लगी हो तो शेष घास या फसल को आग लगी हुई घास या फसल से जो है अलग कर देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो है उस जो बची हुई घास है उसमें
आग नहीं लग पाती या फसल में आग नहीं लग पाती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग करके हम पूरी तरह से जलने से बचा लेंगे उसको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आग जलाना और आग बुझाना और इससे संबंधित आग से संबंधित सावधानियां पढ़ी हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो हम दिशाएं ज्ञात करना और तारों द्वारा जो है दिशाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।